हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम घर की वायरिंग करना सीखेंगे। यहाँ पे हम दो रूम, एक किचन और एक हॉल की वायरिंग करेंगे। चलिए वायरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एनर्जी मीटर में पोल से सप्लाई आएगी फेज और न्यूट्रल की। यहाँ पे सबसे पहले हम फेज वायर के कनेक्शन करेंगे और उसके बाद न्यूट्रल के। तो सबसे पहले हमने फेज वायर को फ्यूज के साथ कनेक्ट किया है। इस वायर को हम MCB बॉक्स में ले जाएंगे। यहाँ पर हमने आइसोलेटर यूज़ किया, RCC भी यूज़ किया और तीन सिंगल पोल के एंड्स भी यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले फेज वायर हम आइसोलेटर के साथ कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फेज वायर सीधी हमारी RCC में चली जाएगी और RCC के बाद फेज वायर को हम जो चार हमारे पास सिंगल पोल MCB लगे हैं उनके साथ शॉर्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसके कनेक्शन हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास पहला MCB लगा हुआ है उससे हमने हॉल को जो है वो मेन सप्लाई प्रोवाइड करवाई है। हॉल में हमारे पास दो स्विच बोर्ड लगे हुए हैं जिनको हमने मेन फेज वायर के साथ शॉर्ट कर देना है। तीन स्विच लगे हैं हर एक बोर्ड में, इनको हमने शॉर्ट कर देना है और फिर उसके बाद जो हमारे पास स्विच बोर्ड वन है उसके कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले जो स्विच है उसके साथ हमने सॉकेट को कनेक्ट करना है और दूसरे स्विच के साथ हमने बल्ब को कनेक्ट करना है और जो तीसरा स्विच है उसके साथ हमने फैन रेगुलेटर को कनेक्ट करना है और फैन रेगुलेटर से हमने सीधा फिर फैन को सप्लाई प्रोवाइड करवा देनी है। फैन रेगुलेटर में दो वायर होती हैं, एक को हम स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे वायर को हम फैन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि इसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकें। कुछ इस तरह से जो स्विच बोर्ड टू है उसके कनेक्शन होंगे, पहले सॉकेट फिर उसके बाद बल्ब और फिर जो हमारे पास फैन रेगुलेटर और फैन रेगुलेटर से सीधा फिर फैन को कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हॉल में जो है वो फेज कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा MCB है वहाँ से हम मेन सप्लाई लेंगे और जो रूम वन है वहाँ के स्विच बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। इसमें भी तीन स्विच लगे हुए हैं, तीनों स्विचों को आपस में शॉर्ट कर देना है और फिर उसके बाद जो हमारा पहला स्विच है उसके साथ सॉकेट कनेक्ट होगा, दूसरे स्विच के साथ बल्ब कनेक्ट होगा और जो तीसरा स्विच है उसके साथ हम पहले फैन रेगुलेटर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद फैन रेगुलेटर से हम सीधा फैन को कनेक्ट करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारा फेज कनेक्शन है वो रूम वन के लिए कंप्लीट हो जाएगा और जब थर्ड MCB से हम रूम टू के लिए मेन सप्लाई ले जाएंगे और जो उसका स्विच बोर्ड है उसके तीनों स्विचों को शॉर्ट कर देंगे। तीनों स्विचों को शॉर्ट करने के बाद हम हमारे पास सॉकेट है 5 MPA का है उसको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, दूसरे स्विच से बल्ब को कनेक्ट करेंगे और तीसरे से फैन रेगुलेटर और फैन रेगुलेटर के साथ फिर से फैन को कनेक्ट कर देंगे। तो रूम टू में भी फेज कनेक्शन कंप्लीट हो गए और अब हमारे पास जो है किचन बचा। किचन के लिए हम जो लास्ट वाला MCB है चौथा वहाँ से मेन सप्लाई लेंगे और इसके स्विच बोर्ड को शॉर्ट कर देंगे। तीनों स्विचों को शॉर्ट करने के बाद हम जो फर्स्ट वाला स्विच है उसके साथ सॉकेट को कनेक्ट करेंगे, दूसरे स्विच से हम बल्ब और एग्जॉस्ट फैन को कनेक्ट करेंगे, दोनों के लिए एक ही स्विच रहेगा और उसके बाद थर्ड स्विच से हम फैन रेगुलेटर कनेक्ट करेंगे और फैन रेगुलेटर से हमारे पास फैन कनेक्ट हो जाएगा। तो किचन में भी जो है फेज कनेक्शन कम्प्लीट हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम न्यूट्रल वायर के कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल वायर सबसे पहले हम एनर्जी मीटर से आउटपुट लेकर सीधा ही MCB बॉक्स में उसको इनपुट करेंगे और वहाँ पे जो हमारे पास आइसोलेटर लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे और आइसोलेटर के बाद फिर RCCB के साथ कनेक्ट करेंगे और RCCB से जो आउटपुट आएगी न्यूट्रल की उसको न्यूट्रल लिंक के साथ कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल लिंक में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वहाँ से हम किसी भी पॉइंट से किसी कहीं भी जो है न्यूट्रल वायर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है हॉल में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे, फैन को हमने न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है, उसके बाद हमने बल्ब को प्रोवाइड कर दिया है, स्विच बोर्ड में जो सॉकेट है उनको प्रोवाइड कर दिया है, फैन को प्रोवाइड कर दिया है और जो बल्ब है दूसरा उसमें भी हम न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद न्यूट्रल वायर जो है रूम वन के लिए ले जाएंगे। रूम वन में भी जो हमारे पास 5 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास
हमें वहाँ पे भी न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे और फिर जो है बल्ब में न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। तो इस तरह से न्यूट्रल कनेक्शन हमारे रूम वन में कम्प्लीट हो गए। उसके बाद रूम टू की बारी। रूम टू में हम सीधा ही फैन को सबसे पहले न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे, वहीं से बीच में से ही न्यूट्रल को कॉमन ले जाकर बल्ब और जो हमारा 5 एम्पीयर का सॉकेट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ न्यूट्रल जो है रूम टू में कंप्लीट होती है। इसके बाद अब हम जो न्यूट्रल वायर है उसको किचन में प्रोवाइड करेंगे। इसको सबसे पहले फैन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर बल्ब के साथ, फिर एग्जॉस्ट फैन हो गया और फिर हमारे पास जो 5 एम्पीयर का सॉकेट है उसके साथ कनेक्ट करेंगे।